नमस्कार, मैं डॉक्टर कनुप्रिया जिंदल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, रिजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ से। आज मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगी पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बेसिकली इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये हर 100 में से 5 लड़कियों को पाया जा रहा है। ये होता क्या है? पीसीओडी में क्या होता है कि आपको महीने के महीने पीरियड नहीं आ रहा और आपकी अंडेदानी में बहुत सारी मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे दिखाई देती हैं। उसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें से अगर 2 भी मैच कर जाएं तो आपको पीसीओडी हो सकता है। अगर आपको पीरियड प्रोलॉन्ग हो रहा है यानी कि 2-2 महीने 3-3 महीने पे आ रहा है। दूसरा, आपके अल्ट्रासाउंड पे पीसीओडी का पैटर्न है ओवरीज में। और तीसरा, अगर आपको एंड्रोजेनिक फीचर्स हैं यानी कि आपके चिन पे, आपके फेस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, टेम्पोरल बाल्डिंग है, बाल झड़ रहे हैं और आपके पेट पे खड़े बाल हैं। पीसीओडी अब हर महिला को जब से उसको पीरियड आना शुरू होता है यानी कि 13 साल की उम्र से लेके लगभग 50 साल की उम्र तक, जहां पे आपको पीरियड बंद हो जाता है, तब तक आपको डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। बहुत सी यंग अनमैरिड फीमेल्स आती हैं कि उनको पीरियड रुक रुक के 2-2 महीने पे आ रहा है या फिर उनको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की कंप्लेंट है। देन अगर आप शादीशुदा हैं और आप बच्चा प्लान कर रही हैं और बच्चा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आपको पीसीओडी हो सकता है, जो कि आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पीसीओडी के पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। तो इसके लिए अगर आपको यंग है, आपको पीरियड नहीं आ रहा है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो पीसीओडी को ट्रीट करती हैं, आपको मेडिसिन देती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में। देन अगर आप इनफर्टिलिटी के साथ डील कर रही हैं और आपको पीसीओडी है तो डॉक्टर आपकी हेल्प करता है, आपको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स देता है, या फिर कई बार अगर सीवियर पीसीओडी है तो इंजेक्शन भी लग सकते हैं, तो उससे आपको बच्चा कंसीव होने में हेल्प होती है। देन अगर आपको पीरियड बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब पीसीओडी बेसिकली इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पीसीओडी अगर आप हेल्दी डाइट लेती हैं और आप एक्सरसाइज करती हैं तो पीसीओडी को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो गर्ल्स, गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड डू एक्सरसाइज। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे 5 टाइम्स अ वीक और हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करें एंड ऑब्वियसली मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट टू कॉम्बैट विद दिस पीसीओडी। नमस्कार, थैंक यू।